सो डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंटली वी आर एट कल्पा। सो कल्पा में हमें भाई साहब मिले हैं, तो हम पूछते हैं कि भाई साहब क्या पोजीशन है कल्पा की इस टाइम सिनेरियो में, क्या क्या कल्पा में घूमने के लिए है और क्या क्या जुड़ रहा है कल्पा से आगे पीछे, कहाँ पे जा सकते हैं टूरिस्ट, क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने खोल दिया है तो ई रजिस्ट्रेशन लेके लोग आ रहे हैं, तो क्या विचार है आपका? बढ़िया विचार है जी, ठीक आ रहे हैं, बाकी कोरोना के उससे कम वो चला है। ये हाई स्कूल कल्पा है 10+2, और यहाँ से आपका 7 किलोमीटर रोगी है, 6 किलोमीटर वहाँ सुसाइड पॉइंट है, रोगी में टेंपल है, कल्पा बाज़ार में टेंपल है, देवते का मंदिर है। यहाँ से आगे आप लेफ्ट साइड को जाएंगे तो पीडब्ल्यूडी कॉलोनी है, आगे चुंगलिंग है, ये स्टेडियम है कल्पा का। काजा यहाँ से कितनी दूरी पे होगा? काजा कम से कम 250 किलोमीटर होगा जी। 250 किलोमीटर, यानी आप मान के चलिए कि 5 घंटे का रास्ता है। 5 घंटे का जी। ओके, सो दिस इज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कल्पा, लेट्स हैव ए लुक। सो भी स्कूल बंद है, लेकिन दिस इज द बिल्डिंग ऑफ कल्पा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यह पिंक कलर का साइंस ब्लॉक है और साथ में कला मंच भी है, बॉक्सिंग रिंग है, बहुत सुंदर प्लेग्राउंड भी है। सो वी आर ऑन आर वे टू सुसाइड पॉइंट कल्पा। तो एप्पल ऑर्किड्स दोनों तरफ हैं, छोटे से मवेशी, सो रोड के दोनों तरफ एप्पल ऑर्किड्स हैं। और सितंबर एंड के आसपास आप लोग देखोगे कि जो ये अपर रेंजेस का एप्पल है, दैट इज हाई क्वालिटेटिव वैल्यू एंड इट इज ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी। और सामने किन्नर कैलाश माउंटेन्स, सुसाइड पॉइंट, वेरी नैरो ट्रैक एंड वी कैन नॉट स्टे हेयर फॉर मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। करना चाह रहा हूँ इसको क्योंकि 23 को हमें वापस पटियाला पहुँचना है। तो हाँ जी, हाँ जी, बेस्ट विशेस जी, बेस्ट विशेस। तो अभी ये हमारे से आगे वाली गाड़ी, यहाँ के टूरिस्ट काजा के लिए मूव कर रहे हैं। Earlier people used to sit on these rocks when the railings were not there and it was very dangerous